अरे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे, जो आपके पेपर में आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, प्लस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के कम से कम 8 से 10 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है एंड टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। तो यदि आपने इन क्वेश्चंस को भी कर लिया आपके अपने एग्जामिनेशंस के लिए, तो श्योर शॉट ये बिना बेसंकोच मैं कह सकता हूं कि उस चैप्टर का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं छूटा होगा जो आप गो थ्रू ना हुए हों। आपको सब कुछ आता होगा, बस वहां पे प्रॉपर एप्लीकेशन करना है, प्रॉपर यूज ऑफ योर कंसेप्ट एंड विजडम लगाना है। तो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बिना समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं। देखिए रियल नंबर, यदि चैप्टर नंबर 1 भी आपको पढ़ना है तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, जिसमें 20 कितने वीडियोज हैं भाई, 20 वीडियोज आर देयर। और इन वीडियोज में चैप्टर के कंसेप्ट इंट्रोडक्शन है, उसके बाद टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा इफ यू वांट टू डू दिस चैप्टर। देन सेम विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। अगेन देयर आर 16 to 20 वीडियोज, आप उनको भी देख लीजिएगा यदि आप करना चाहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कंसेप्ट सब कोई समझाता है, हम भी कंसेप्ट समझाते हैं, बट वी हैव डिफरेंट मैथड्स, वी हैव डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप चीजों को ध्यान से समझेंगे, कंसेप्चुअल समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, है ना। अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़ते रहिए, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में। टूडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। कहता क्या है, बात कीजिए क्वेश्चन से। कहते हैं, डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट लाइन्स। देखिए, फॉर पेयर ऑफ वी नो, वी आप इस तरह लिखेंगे, वी नो फॉर कॉन्सिडेंट लाइन, क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन, फॉर पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट लाइन, लाइन कॉन्सिडेंट हो मीन्स एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए जो आपकी इक्वेशन दी होंगी, लीनियर इक्वेशन दी होंगी, उसमें ये केस बनना चाहिए, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ये यदि बनता है तो यस इट हैज अ पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट लाइन, यदि ये नहीं बनता है तो सीधा खारिज कर देंगे कि ये नहीं बनता है। तो जस्ट चेक आउट द रेशोज ऑफ बोथ द इक्वेशन। पहला क्या है, 4x + 3y, ये माइनस का 1 है, इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, 12x + 9y इज इक्वल्स टू 50। सॉल्व कर लीजिए इसको, चेक आउट द रेशोज, रेशोज को सॉल्व कीजिए, रेशोज को देखिए क्या कहता है रेशो। हम लिखते हैं 4/12, 3/9 एंड 6/15। नाउ विल सॉल्व इट टू लोवेस्ट फॉर्म, तो ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, और 3 2 6, 3 5 15, मीन्स 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया, इज नॉट इक्वल्स टू 2/5। भाई इस प्रकार का केस जब बनता है, इस प्रकार के केसेस आते हैं, तो वो तो मतलब कोइंसिडेंट लाइन में तो नहीं होंगे। इस प्रकार के आते हैं वो आते हैं नो सॉल्यूशन। किसमें आते हैं नो सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन बनी है नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस के लिए बनी है। किसके लिए बनी है, पैरेलल लाइंस के लिए। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख देंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहाँ है बाबू, यहाँ पे है। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हैं और धाकड़ वाले आगे ना बात सुन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा क्या कहता है, इफ सी इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ऐसा कुछ बनाया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो इसके लिए क्या चाहिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए। एक सेकेंड, इस पे आ जाइए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कॉन्सिडेंट लाइन होती है, उसी पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए आप जानते हैं, आप लिखेंगे 4 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों यदि इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक समझना है ना, इफ यू वांट टू स्टडी द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, मजा सा आ जाएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। वो जो ग्राफ सा बना हुआ है ना, कॉन्सिडेंट
कौन सी ट्रेन रन, कौन सी पैरेलल रन, क्या 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 है वो वहां से देख लीजिएगा। इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन पे यदि हम चले, इनफाइनाइट चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए, ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू। जो अभी कोइंसिडेंट लाइन वाली बात हो रही थी ना, वो यही है कि एक लाइन बनी, एक सॉल्यूशन आपने निकाला तो उसका ग्राफ ऐसे बना, फिर आपने दूसरा निकाला, दूसरे का इसका निकाला तो उसका भी इसी के ऊपर जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, मतलब भाई एक के ऊपर एक है, तो इसके हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट टच हो रहा है, तो इसीलिए इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट, इसीलिए कहते हैं इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब इसको हमें वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट सी। यदि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस बनता है तो इसका मतलब रेशियो जिसके इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो दिस विल बी सी बाय 12, दिस विल बी 3 बाय सी, एंड दिस विल बी 3 माइनस सी ओवर माइनस का सी है, ये माइनस का सी है, ठीक है। इसको जरा सोल्व कीजिए, तो दिस विल बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में प्लस माइनस 36, वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 6। यहाँ से इन दोनों से आपने जो वैल्यू निकाली तो सी की वैल्यू ये आ गई। अब इससे सोल्व करेंगे, अब हम किसको सोल्व करेंगे, जरा इन इक्वेशन से देखते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 3c हो गया। अरे भाई इसको इसको ले जाकर मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो माइनस का 3c हो गया। अब इस c की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये क्या जाएगा, 3c इज इक्वल्स टू 3c, और माइनस का c और माइनस का c जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का c स्केयर, ठीक है। इसको इधर ला जाएंगे तो माइनस का 6c आ जाएगा, और ये माइनस का c स्केयर हो जाएगा, ये कट होगा तो एक c से एक c कट जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो कहने का मतलब है इनफाइनाइटली, जो इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशंस के लिए दो केसेस बने गए, एक c इज इक्वल्स टू 6 बनेगा और दूसरा c इज इक्वल्स टू -6 बनेगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है जो, ये कहता है कि सॉल्व करो, तो कर देंगे सॉल्व अपने, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर देंगे लोग, है कर देते हैं। ये है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, और ये है 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9x। अब मैक्सिमम जनता ऐसे देखेगी तो घबरा जाएगी, सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, गलत क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। जो भी वेरिएबल्स होते हैं विल ब्रिंग द वेरिएबल्स टू वन साइड, सारे वेरिएबल्स को एक साइड लाएंगे, और जो दूसरे वेरिएबल्स हैं थोड़ा मिसमैनेजमेंट करके दिया हुआ तो हम इसको अरेंज कर दें, 9x हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9x, ये वाला दो दो बार x का, हाँ 9x है, यहाँ पे 2x नहीं है, y आएगा, और y इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2y, और 7 यहाँ पे अकेला रहेगा तो ये 7 सेट, समझ में आ गई ना बात, ऐसे कर लो बाबू। ये देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2y 9x को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, इधर ले जाएंगे 7 को, इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7। थोड़ा अरेंज और करेंगे तो ये सारा इस साइड लाएंगे और ये सारा इस साइड लाएंगे, तो ये 9x प्लस का चाहिए तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 7, समझ में आई बात, मतलब अरेंज करना यार, कुछ नहीं करना, ठीक है। कॉन्स्टेंट को एक साइड लाते हैं, इस साइड रखते हैं, और वेरिएबल्स को इस साइड रखते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है देखिए सोल्व करने का। अब मैं इन पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोलता हूँ, मैं पूरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से, सो इट विल बी 9x माइनस 3 पचे 15y इज इक्वल्स टू 4 3 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, माइनस का 13y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 में 7 है 5, ये 5 आ गया। जब y की आप वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी माइनस का 5 ओवर में 13, ठीक है ना, ये साइन इधर नहीं रहेगा, y की वैल्यू निकालते समय हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5/13। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कैसे आएगी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 ओवर में 30 इज इक्वल्स टू कितना था, ये भाई इक्वेशन नंबर 1 कितना था, 4 था, है ना, इज इक्वल्स टू 4, बहुत सरल हो गया। 3x अपनी जगह पे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 25, ये कितना होगा भाई, प्लस का 25 ओवर में क्या आ गया, 13 इज इक्वल्स टू 4, यही आएगा ना भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इट इंप्लाइज दैट 3x अपनी जगह पे ही है, इसको इधर ले आइए, अब ये न्यूमेरिक वैल्यूज हो गए, 4 माइनस 25 ओवर में क्या आ जाएगा, 30, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x अपनी जगह पर रह जाएगा, 3x आ गया,
और इसका एलसीएम लेंगे तो 13 नीचे पूरा एलसीएम आ जाएगा, तो 13 चौके 52 माइनस 25 आ जाएगा, 52 माइनस 25। और सोल्व करेंगे तो इसके लिए जगह नहीं बचा, तो इसके लिए जगह नहीं बचा तो कोई बात नहीं, हम इसको कैसे करेंगे, कर लोगे क्या इसको? जी नेक्स्ट आ जाओ, कोई बात नहीं करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। सावधानी से क्लिक करो तभी ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आया था भाई, ये आपका आया था 3x, 3x इज इक्वल टू 13 चौके 52 माइनस 25 ओवर में क्या आया था 30, यही आया था। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिएगा और ये 3 को यहाँ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एस। अगली बात सुन में नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए इसमें क्या है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल व्हेन देयर इज अ रेक्टेंगल, तो ये एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई क्या दिया हुआ आपको 14 दिया हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 44, एक्स क्या आ जाएगा 22, एक्स क्या आ जाएगा 22, और इस एक्स की वैल्यू इसमें रख लो, यहाँ पे रख लो, तो 22 प्लस में वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, वाई क्या आ जाएगा 8y। अब इसका एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इन फिगर, बस इतना ही निकालना, एरिया निकालना तो वैल्यू हम खुद करके आंसर निकालना। ये देखिए ये कह रहा है कि एक भाई ग्राफ है, क्या है जी ग्राफ है, कह रहा है इसको यूजिंग द ग्राफ यू हैव टू सॉल्व इट, इस ग्राफ को यूज करके इसको हमें सॉल्व करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिस सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, ग्राफ बनाना है और ये निकालना है। देखिए हम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम जानते हैं यदि ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ बना के आंसर निकालना है आपको, आंसर नहीं निकालना ठीक है ना, ग्राफ निकाल के एक्स वाई की वैल्यू निकालना, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ दिया हो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 1 है तो मैं इसको इधर लेता हूँ -1, मैं एक चीज को फ्री कर दूंगा, मैं एक्स को फ्री करता हूँ भाई, एक्स अपनी जगह पे रह जाएगा और ये हो जाएगा वाई प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। अब यहाँ से मैं दो सॉल्यूशन निकालूंगा है ना, ऐसे बनाते हैं ना भाई टेबल, ऐसे एक एक्स हो गया और क्या हो गया वाई, अगर मैं वाई को रखता हूँ 5, वाई को रखो 2, वाई को रख रहा हूँ 2, तो एक्स क्या आएगा 1, वाई को रख दिया मैंने 0, तो एक्स क्या आ गया -1। ठीक है, ये दो लाइन होगी, उसके बाद आ जाइए, वैसे एक और बनाते हैं, मतलब बिल्कुल बढ़िया से आंसर के लिए एक और बनाएंगे, मैंने एक्स को वाई को रख दिया, गलत रख रहा हूँ, गलत रख रहा हूँ, ऐसे ये हो गया एक्स और ये क्या हो गया वाई, वाई को क्या रखा मैंने सबसे पहले 0 रख लेता हूँ, वाई को 0 रखा तो एक्स क्या आ जाएगा -1, वाई को रखता हूँ 2 तो एक्स क्या आ जाएगा 1, वाई को रख दिया 3 तो एक्स क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले के लिए बनाओ तो ये क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस 2y, 12 इधर ले आओ, 12 किधर लाओगे इस साइड। अब मैं एक को फ्री कर लेता हूँ, मेरे लिए 2 सहूलियत रहेगा थोड़ा क्योंकि डिवीजन में आसान रहता है, तो ये 3x इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x ओवर में क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से मुझे किसकी वैल्यू प्राप्त होगी y की। अब मैं यहाँ से ये बनाता हूँ, मैं यदि किसको, यदि ये हो गया x और ये हो गया y, यदि मैं एक्स को क्या रखता हूँ 0, एक्स को 0 रखा तो ये पूरा 0 होगा, 2 6 12, एक्स को मैंने रखा 0 तो वाई क्या आ गया 6, एक्स को रख किया 2 में, एक्स को 2 रखूंगा 3 2 6, 12 में 6 6, ये क्या आ जाएगा 3, एक्स को रख दिया मैंने 4, एक्स को क्या रखा 4 तो वाई क्या आ जाएगा 0। अब ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं, ये वैल्यूज क्या क्या आई है जरा मैं इधर लिख लूँ क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा। एक है -1 0, ध्यान से देखो 1 और 2, और एक अगर 2 और 3, एक है 0 6 2 3 4 0। चलो इस ग्राफ पे हम लोग बनाते हैं ना, देखो भाई x क्या है, x -1 है, देखो x क्या है -1, -1 जाना है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे -1, और y क्या है 0, तो एक इक्वेशन -1 और 0 की यहाँ पे होगी। दूसरा क्या है, x क्या है 1, x आ जाओ इधर 1, और y क्या है 2, तो 2 ऊपर जाओगे तो ये क्या हो गया 1,2, एक्स क्या है 2, एक्स क्या है 2 और वाई क्या है 3, तो यहाँ पे जाओगे 2 और 3, ये क्या है आपका 2,3। ये आगे ना बात, तो आपको कैसी लाइन मिलेगी पहले वाले इक्वेशन की, देखो थोड़ा दिक्कत है,
पहले वाली इक्वेशन की आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये इक्वेशन लिख के हम इस पे ये लाइन ड्रॉ करके हम इस पे इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है आपका, क्या था इस ग्राफ का इक्वेशन, क्या था ये था आपका एक्स माइनस वाई प्लस वन, क्या था ये था आपका एक्स माइनस वाई प्लस में वन इक्वल्स टू जीरो, पहले वाली इक्वेशन। अब दूसरे का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दूसरे वाला क्या है, पहले जीरो है, अगर ये जीरो है एक्स क्या है जीरो, तो वाई कितना है सिक्स जा रहा है, एक्स जीरो है जीरो और कॉमन सिक्स ये लिखना होता है। फिर एक्स दो है, एक्स क्या है दो है, तो वाई कितना जा रहा है तीन, ये रहा दो और तीन, फिर से वही बात आ गई। इसके लिए मैं दूसरा कलर रहता हूँ, ये था यहाँ पे दो और तीन, फिर से एक्स दो है तो वाई कितना गया तीन, दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका ये भी लिखना पड़ेगा भाई, देखो दोनों पॉइंट यहीं पे है, और एक्स चार है तो वाई कितना है जीरो, एक्स चार है तो वाई कहीं पे खिसक ही नहीं रहा, वाई क्या आया जीरो, एक्स चार कोमा जीरो। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, हम ज्वाइन करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एक ट्राइंगल सा जगह मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं। अब इसके सॉल्यूशन निकालने थे, तो देखो कॉमन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स दो पे कर रहा है और वाई किस पे कर रहा है, वाई पे थ्री। देखो बच्चों आ गया ना, ग्राफ से ही सॉल्यूशन निकाल दिया, कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसने कुछ और बना रखा है, देखो इस प्रकार से बनेगा, तो वही है इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दो कोमा तीन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आ रहा। तो प्यारे बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो थैंक यू तो मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है बिकॉज यू हैव वॉच दिस वीडियो, यू हैव बिलीव इन मी, बाकी ये इसमें आपका ही फायदा है, यदि आप देखते हैं रेगुलर बने रहते हैं चैनल के साथ, तो हर एक चीज़ आपको मिलेगी, काम की चीज़ मिलेगी। बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू वेस्ट योर टाइम, आई एम जस्ट हेयर टू टीच यू, आई एम जस्ट हेयर टू शेयर नॉलेज, ठीक है ना। और आपके लिए जो बेहतर हो सकता है केवल वही हम यहाँ पे आपको प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आधे वीडियो में नौटंकी किया और उसके बाद मालूम चला 2 मिनट पढ़ाया और 1 घंटा खा गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया से पढ़िए, अच्छे मार्क्स स्कोर करिए और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशहाल दिन, नमस्कार।